एज ई सेड लेबर, हमारे यहाँ अगर हम यूरोपियन कंट्रीज को कंपेयर करेंगे तो हमारा लेबर सबसे चीप हो जाता है. एशियन कंट्रीज के जो लेबर्स है दे आर चीपर एंड दैट्स व्हाई वी आर इन डिमांड. हम लोग उस तरफ की कंट्रीज में पहले बहुत डिमांड में थे, हमारे लेबर्स लाखों की संख्या में जाते थे वहां पर लेबर जॉब के लिए, क्योंकि जो वहां पर लेबर है वो मैक्सिमम पेड होता है. अगर आप यूरोपियन कंट्रीज वगैरह में जाएंगे तो जो लेबर वर्क करता है ना उसको मैक्सिमम पे करना पड़ता है, ज्यादा से ज्यादा पे करना पड़ता है. देयर इज अ कंपैरिजन ऑफ डॉलर एंड रुपीज. हम तो $100 और $200 में भी वहां काम कर लेंगे, लेकिन वहां का जो बंदा है वो कम से कम $2000 से नीचे काम नहीं करेगा, क्योंकि उसके लिए वो $2000 ही. तो दीज एमएनसीज एक्चुअली हैव स्टार्टेड कमिंग टू अवर कंट्री एंड अंटिल द मिडल ऑफ द 20th सेंचुरी प्रोडक्शन वॉज लार्जली ऑर्गेनाइज विद इन द कंट्रीज. वॉट क्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ दीज कंट्रीज वेर रॉ मटेरियल फूड स्टफ एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट. इम्पोर्ट क्या करना पड़ता था, रॉ मटेरियल इम्पोर्ट करना पड़ता था, क्योंकि सभी के पास रॉ मटेरियल नहीं. आज भी हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है इम्पोर्ट ही कर रहे हैं, मैक्सिमम पेट्रोलियम हमको इम्पोर्ट करना पड़ता है 80%, और इसीलिए उसका प्राइस जो इतना हाई रहता है उसका रीजन ये है, बिकॉज ऑफ द टैक्सेस एंड ऑल दोस. इन इंटरनेशनल मार्केट वी कैन सी दैट पेट्रोल इज वेरी लेस प्राइज्ड, बट एज द प्राइस ऑफ द पेट्रोल इज देयर सो एज द टैक्सेस ऑल्सो सेम 100% टैक्सेस पुट बाय द गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट एंड दैट्स व्हाई द पेट्रोल प्राइस बिकम्स डबल. वहां पर 38 है तो यहाँ पे 76 हो जाता है, 80 हो जाता है, इसलिए हो जाता है क्योंकि वो 100% टैक्स भी लगता है जो स्टेट गवर्नमेंट से होता है. कॉलोनी सच एज इंडिया एक्सपोर्टेड रॉ मटेरियल्स एंड फूड स्टफ एंड इम्पोर्टेड फिनिश गुड. ब्रिटिशर्स ने यही शुरू किया था, यहां से वो रिसोर्सेज निकाल लेते थे, अपने यहां ले जाते थे और वहां से फिनिश प्रोडक्ट बेचते थे. तो आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑल्सो वी हैव डन द सेम थिंग. मैक्सिमम वी वेर एक्सपोर्टिंग रॉ मटेरियल्स, कच्चा माल हम एक्सपोर्ट करते थे और ज्यादा से ज्यादा फिनिश प्रोडक्ट हम अपने यहां मंगाते थे. लेकिन बाद में धीरे धीरे हम लोगों को रियलाइज हुआ कि हम अगर अपनी टेक्नोलॉजी को और बढ़ाते हैं, वर्ल्ड लेवल पे हम कम्पीट करते हैं, तो हमारे पास पोटेंशियल है, क्योंकि हमारे कई ऐसे टेक्नीशियंस थे, कई ऐसे टेक्नोलॉजिकल नो हाउ वाले इंटेलेक्ट पीपल थे जो फॉरेन कंट्रीज में बहुत अच्छा कर रहे थे. वो क्यों अच्छा कर रहे थे, क्योंकि यहां उनके लिए कोई खास अपॉर्चुनिटी नहीं दिखती थी, इसीलिए भाग जाते थे. पढ़ाई यहां करते थे, पूरा एजुकेशन यहां लेते थे, और एजुकेशन लेने के बाद में पता चलता था जब उनको काम करने की बारी आती थी तो वो फॉरेन चले, क्योंकि वहां पर उनको रेवेन्यू जो है वो ज्यादा मिलता. सो दिस वी हैव सीन कि हमारी जो टेक्निक है वो तो चली जाती है सारी, इसलिए ये करना जरूरी था कि हमारे यहां भी एमएनसीज आएंगी तो हमारे लोग वहीं काम करेंगे, कम से कम हमारे देश में काम करेंगे, उसका पैसा हमारे देश में आएगा, और कम से कम क्या होगा कि देश में ही वो पैसा घूमेगा और हमारा जो नॉलेज है वो भी हमारे देश में. दिस इज हाउ वी हैव थिंक.